ये बात उस गांव की है जिसमें मदन लाल अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। उनका एक बेटा था चिंकू, वह मेहनती आदमी था। उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। अंजलि घर को संभालती थी और मदन लाल बाहर के काम संभालता, और फिर उसे महीने भर की पगार मिलती। जिस दिन उसे पगार मिलती उस दिन तो घर में माहौल ही कुछ और ही होता। सब सोचते कि पगार मिलते ही हम ये खरीदें, हम वो खरीदें, पर महीना खत्म होने से पहले ही पैसे सभी खत्म हो जाते। ऐसे ही अगले महीने का दिन आता है, वह घर आता है। बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है बेटा, जरा पानी लाना। अच्छा पिताजी, अभी लाता हूँ। जी, आज तो आपकी पगार मिली होगी। वैसे तुम्हें कोई ध्यान नहीं रहता, पर जिस दिन पगार आती है वह दिन बहुत अच्छे से याद रखती हो तुम। जी, होगा भी क्यों नहीं, आपके साथ रह रह के मैं भी तो बहुत समझदार हो गई हूँ, और आपके साथ मैं भी तो बहुत मेहनत करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि इस बार थोड़ा हाथ खींच के रखेंगे। ऐसे मदन लाल अपनी पगार अंजलि को दे देता है। स्कूल से आते वक्त चिंकू देखता है कि एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा होता है, तो उसे एक बाइक टक्कर मार देती है। उस बच्चे के थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। चिंकू उसे जाकर उठाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। भैया, मेरा घर उस सड़क पार है, आप मुझे छोड़ आओ, और उसे घर तक छोड़ आता है। इसे क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं आंटी, बाइक वाले ने टक्कर मार दी तो थोड़ी सी चोट लग गई है इसे, इसलिए हमने इसे देखा तो छोड़ने आ गए। बहुत अच्छा किया बेटी तुमने, आप तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। आओ आओ, अंदर आओ। ऐसे वह अंदर आके बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है, कितना ठंडा कमरा है इनका, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम ही ना हो, बिल्कुल ठंडा ठंडा। एसी वाले कमरे में बैठकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे वह आंटी उनके लिए कुछ खाने को लाती हैं। वह थोड़ी देर वहाँ रुक के वहाँ से चला जाता है। बाहर आके वह मन में सोचता है, कितना अच्छा था उनका कमरा, काश हमारे घर भी एसी होता, कितना अच्छा होता। ऐसे वह सोचते सोचते घर आ जाता है। अरे चिंकू बेटा, तुमने तो बहुत देर कर दी आज। हाँ माँ, एक बच्चे के चोट लग गई थी, उसे घर तक छोड़ने गया था। पता है माँ, हम जब उनके घर गए तो उसकी मम्मी ने हमें खाने को दिया, और उनका कमरा इतना ठंडा था कि क्या ही बताऊँ, उनके घर एसी लगा हुआ था। हाँ हाँ बेटे, हो रहा होगा ठंडा। माँ, हम एसी नहीं ले सकते। नहीं बेटे, एसी बहुत महंगा होता है और उसका बिल भी बहुत आता है, हमारी आमदनी भी इतनी नहीं है, और हर किसी के घर एसी थोड़ी ना होता है। चलो अब तुम खाना खा लो। ऐसे खाना खा के चिंकू सो जाता है। चिंकू को एसी के सपने आते हैं। उसे सपना आता है कि उसका पूरा परिवार एसी में आराम से सो रहा है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह पसीने से लथपथ होता है, काश ये सपना सच हो जाए। चिंकू अपने घर में अपने माता पिता के साथ बैठे होता है, तो चिंकू कहता है, पापा हम भी एसी खरीद लें, बहुत गर्मी है। तो मदन लाल कहता है, बेटे हम एसी जैसे तैसे खरीद भी लें, पर बेटा उसका बिल तो बहुत ही ज़्यादा आता है, जिससे हमारा बजट बिगड़ जाएगा, हमारी इतनी आमदनी नहीं है हम एसी का बिल दे पाएं। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जब तुम कुछ बन जाओगे तो एसी भी ले लेंगे। कुछ दिनों बाद मदन लाल एक सेकंड हैंड एसी लेके घर आता है। चिंकू बहुत खुश हो जाता है और एसी भी लग भी जाता है। ये क्या, आप भी बच्चों की बातों में आ गए? अरे ये बहुत सस्ता मिल गया, इसलिए ले आया, मेरे मालिक ने अपने घर के एसी बदलवाए हैं, बच्चों को एसी चाहिए था और मैं ले आया,
बच्चे तो ऐसे ही जिद करते रहते हैं, पर हमें सोच समझ कर ही काम चलाना चाहिए। इसका बिल तो बहुत ज्यादा आएगा। बच्चे तो एसी लग के बहुत ही खुश थे। चिंकू स्कूल से आ जाता है, आते ही एसी ऑन कर लेता है। माँ उनको बहुत मना करती है, पर वह कहाँ सुनने वाला। रात को भी सभी एसी की ठंडी हवा में सोया करते। अगर अंजलि उसे बंद कर देती तो वह फिर से उसे ऑन कर लेता। एक महीने बाद जब एसी का बिल आता है, ये देखो बिजली का बिल 4000 रुपये आया है। हे भगवान, ये अमीर लोग 4-4 AC कैसे लगा लेते हैं, अब क्या होगा। मेरी तो तनख्वाह भी बहुत कम है। मैंने तो पहले ही कहा था कि AC मत लगवाओ, बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता। अंजलि बहुत परेशान होती है, वह अपनी सहेली के घर जाती है। बहन, तुम तो बड़े बड़े घरों में काम करती हो, मुझे भी कोई काम दिलवा दोगी। क्या हुआ अंजलि बहन, ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है जो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। क्या बताऊं, बच्चा बड़ा हो रहा है, उनकी ज़रूरत भी बढ़ रही है, अकेले इनकी तनख्वाह से गुजारा नहीं चल पाता, सोचा मैं भी कुछ हाथ बटा दूं। कोई काम हो तो बताना, पड़ोसन अंजलि को काम बता देती है। अंजलि घर का काम निपटा के किसी को बिना बताए काम पे चली जाती है और पति से पहले घर लौट भी आती थी। बच्चे आके एसी ऑन कर लेते हैं। बेटे, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे कहने पर एसी तो लगवा लिया, पर तुम्हें समझना होगा कि एसी जरूरत के समय ही चलाया जाए। माँ, हम तो बहुत खुश हैं एसी लगने से। मैंने तो अपने दोस्तों को भी ये बता दिया कि हमारे घर एसी लग गया है। अंजलि का समझाना बच्चों को बेकार जाता है। चिंकू और मदनलाल के जाने के बाद वह घर का काम निपटा के काम पे चली जाती। एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह फिर भी काम पर जाती है और वह काम करते करते बेहोश हो जाती है। मालकिन अंजलि के दिए हुए नंबर पर फोन करती है। हेलो, जरा मदनलाल से बात हो जाएगी। जी, अभी करवाता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है। आप इस एड्रेस पे आ जाइए, आपकी पत्नी यहाँ पे काम करने आई थी तो बेहोश हो गई, आप इन्हें यहाँ से ले जाएं। जी, मेरी पत्नी काम नहीं किया करती है। पर आपकी पत्नी का नाम अंजलि ही है ना। ये सुनकर मदनलाल भागा भागा आता है और अंजलि को घर ले आता है। घर आके देखता है कि चिंकू मजे से एसी में सो रहा है। तुम्हारी माँ को बुखार है, फौरन एसी बंद करो। माँ, आप कहाँ चली गई थी। मदनलाल भी यही सवाल करता है कि तुम कहाँ गई थी। क्या बताऊँ, एसी लगाने के बाद घर का बजट बिल्कुल बिगड़ गया। मैंने ये सोच कर काम पकड़ लिया कि घर की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। ये सोच कर मैंने भी काम करने लगी। सारी बात सुनने के बाद चिंकू को सब समझ आ जाता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। मैंने सोचा कि एसी आ जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, पर हमें ये नहीं पता था कि इसके आने से घर के खर्चे बिगड़ जाएंगे। माँ, हमें एसी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बीमार हालत में भी दूसरों के घर काम करे। हमें एसी नहीं चाहिए, ऐसे मदनलाल वो एसी बेच आता है। कुछ दिनों में अंजलि भी ठीक हो जाती है। तुम्हें धन्य है अंजलि, बिना मुझे बताए तुम घर के लिए मदद कर रही थी, मुझे तुम पर नाज है। मदनलाल अब अंजलि को काम पर जाने नहीं देता है और वे सभी पहले जैसे ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।